नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और वर्ग 1 वर्ग 2 से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार मैं आप लोगों को न्यूज़ पहुंचाता रहता हूं दोस्तों। ये ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टीचर फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MP, यानी स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय विभाग में दोस्तों, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के कितने रिक्त पद हैं दोस्तों, ये डाटा एक्चुअल है दोस्तों। और ये एजुकेशन पोर्टल का डाटा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 54,000 पोस्ट खाली दोस्तों, केवल DPI में दोस्तों। और ट्राइबल के पद अलग होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री 1,00,000 पदों की घोषणा करने के लिए जो बोले हैं, और जिस प्रकार से अभी 23, 24, 25 अगस्त को मध्यप्रदेश के तमाम विभागों की बैठक होनी है, उसमें कहीं ना कहीं ये डाटा को रखा जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और जनजाति विभाग के द्वारा अलग से रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वर्ग 3 में आराम से, ठीक है ना। देखो, अब मेरी इस वीडियो के बाद तो कई लोग बोलेंगे कि आप कुछ भी बोलते हैं, इतने पद नहीं आएंगे, मामा लॉलीपॉप देता है, ऐसा वैसा। चलिए, आप जो भी सोचना, जो भी कमेंट करना आप कर सकते हैं, मगर मैं जो न्यूज़ है वो आप तक जो है मैं पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। ये न्यूज़ आपको पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो बने रहना। ये DPI की न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे लिखा, अस पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिनिमम टू टीचर आर टू बी पोस्टेड इन एवरी प्राइमरी स्कूल, दिस रिपोर्ट यूज द पेरोल डाटा ऑफ स्कूल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर दैट आर करेंटली पोस्टेड इन द स्कूल एंड जनरेटेड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड पोस्टेड इन द स्कूल टू मीट द नॉर्म्स। इट मे बी नोटेड दैट एक्चुअल रिक्वायरमेंट अस पर RT नॉर्म्स एंड अस पर PTR नॉर्म्स शैल बी हायर। ए सेपरेट रिपोर्ट इज अवेलेबल टू व्यू द रिक्वायरमेंट अस पर RT या PTR नॉर्म्स, यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दोस्तों जिस प्रकार से जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरा का पूरा डाटा बनाया गया है जिला वाइज। यहाँ पे आप लोग एक बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखी गई बात, ठीक है। जीरो स्कूल टीचर, मतलब समझ रहे ना, ऐसे विद्यालय जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, वहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 181 स्कूल हैं आगर मालवा में। और अगर एक स्कूल में दो टीचर के हिसाब से 362 टीचर चाहिए, तो 362 रिक्वायरमेंट ये हो गई। और वन टीचर वाले स्कूल कितने, 55, तो 55 टीचर ये भी चाहिए, यानी 362 और 55, 417 टीचर प्राइमरी के चाहिए आपको कहाँ पे, आगर मालवा में। आगे बात समझ में, ये टेबल का मैंने प्रारूप समझा दिया। अब इसी प्रकार अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, ठीक है, बैतूल, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको देखेंगे, जबलपुर 1176, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। एजुकेशन पोर्टल डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई NIC रिपोर्ट जनरेटेड फॉर्म एजुकेशन पोर्टल ऑन 13/4/2022, यानी अप्रैल का है दोस्तों ये डाटा कब का, अप्रैल का, यानी अभी रिपोर्ट बनाई जाएगी ना, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, अभी 4 महीने बहुत सारे पद रिक्त हो गए होंगे, कुछ टीचर की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है, कुछ रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो इस तरीके से जो है, और अभी इन संख्याओं में जो है बढ़ोतरी होने वाली दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, मंडला 741 टीचर, मुरैना 768, निवाड़ी 374, रतलाम, इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टोटल 52 जिला दोस्तों, है ना, 52 जिला में आपको रिक्त पद दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, 54,681 पद, ये रिक्त पदों की जानकारी है, ध्यान रखेंगे। इस विदाउट टीचर, मतलब कि जहां एक भी टीचर नहीं, वहां पे 21,555, ठीक है, उस हिसाब से जो है दो दो टीचर चाहिए, तो आपको 43,110 टीचर चाहिए। 11,571, ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक एक टीचर की आवश्यकता है, ये दोनों को काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपका हो जाएगा 54,681 दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, 54,681 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखेंगे, 54,000 तो आपको खाली यहीं पर देखने को मिलने वाला है। कहाँ पर दोस्तों, DPI में 54, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, इसमें अभी ट्राइबल के पद भी बाकी हैं, और ट्राइबल के लगभग 11,000 पदों की घोषणा पिछले बजट में की जा चुकी थी, लेकिन नहीं, उससे भी बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक प्रकार की उम्मीद है, हम समझ सकेंगे कि अच्छे पद आने वाले हैं। अभी मैं नहीं कह सकता कि 54,000 आएंगे और 11 और जुड़ करके आपके जो है और भी 60-70,000 आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पद बहुत अच्छे आएंगे। जो हवाबाजी हो रही ना पेपर में, 11,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, इस
सब फेक है दोस्तों, ये सिर्फ केवल और केवल पेपरबाजी है। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि आपका ट्राइबल और DPI के द्वारा जो स्पेशल भर्ती के नियम और पदों की जो संख्या बताई जाएगी वही रियल और ऑथेंटिक होगा, ये मान के चलिए दोस्तों। कि फिर भी मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं तो ये भरोसा रखना मेरी बात पे, और ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, हमेशा रहेगा। आप यकीन नहीं रखते तो देख लेना, 20,000+ पद आने वाले हैं, 20,000+। अब बोलो सर इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो आप? जी हाँ, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं, 20,000+ पद आएंगे। यकीन नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप चेक कर लेना, बोलना सर आपकी न्यूज गलत थी या सही थी। ये मुझे उम्मीद है, मुझे भी भरोसा है, हालांकि ऐसा कोई है नहीं कि मेरी कोई अधिकारी से बात हुई होगी कि 20,000 पद आने वाले हैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, मेरा अनुभव कहता है इतने पद जरूर आएंगे। क्योंकि मामा 1,00,000 पदों के लिए जो डाटा उन्होंने अपनी जवान से किया था दोस्तों, उस डाटा की पूर्ति करने के लिए एकदम तड़बड़ी मचा दिया। हर विभाग में कह रहा कि लाओ मुझे पद दीजिए, कितने पद खाली हैं। तो ऐसा शिक्षा विभाग है जहाँ पे पदों की भरमार है, और यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा पद आएंगे। 1,00,000 बोला है, वो 1,00,000 की जवान की पूर्ति करेगा, वरना इस बार वो समझ रहे हैं ना आप, हाँ गद्दी उनकी हिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो है मोटिवेट रहिए। जिस प्रकार हमने उस दिन ट्विटर अभियान चलाया था वो भी अच्छा सफल रहा, आज का ट्विटर अभियान जो था 21 अगस्त का 21 का, आज का भी सफल रहा। इसी तरीके से हमें लगातार लगे रहना दोस्तों, जल्दी ही DPI और ट्राइबल का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी न्यूज? अगर आपको लगा कि हाँ सर आपने सही रिलायबल और एक्चुअल न्यूज दिए हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली न्यूज में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।